अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुमास किचन एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सभी को खैरियत से रखें। तो आज के इस वीडियो में देखें, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैदराबादी भिंडी की रेसिपी। ये क्रिस्पी फ्राइड भिंडी नहीं है, ये मैं बनाने वाली हूँ अनियंस में, जो कि बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ जब आप इसे नाश्ते में खाते हैं, या आप इसे लंच डिनर किसी भी तरह खा सकते हैं, लेकिन मोस्टली तो हम इसे नाश्ते में ही खाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में इसे लंच के लिए बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए मैं इसे लंच में बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ये वाली जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फुल रेसिपी के लिए। और आज मैं जो वीडियो में जो वेजिटेबल यूज़ करने वाली हूँ वो है फ्रोज़न। तो मैं फ्रोज़न ओकरा यूज़ करने वाली हूँ, यानी कि भिंडी, ये देखिए फ्रोज़न यूज़ करने वाली हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा फ्रोज़न वेजिटेबल्स लेकर आती हूँ, नेवर। मैं हमेशा फ्रेश वेजिटेबल्स लाती हूँ, लेकिन मैं रिसेंटली जब इनके साथ मार्केट गई तो मुझे फील हुआ कि इस बार मैं सारे फ्रोज़न वेजिटेबल्स उठा कर लाऊँ, क्योंकि प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ सेंट्स का ही डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रेश महंगी मिलती है और फ्रोज़न सस्ती, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट अब जब आप फ्रोज़न लेकर आते हैं तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्लाइस्ड, चॉप्ड, डाइस्ड होती है, तो आप उसे आसानी से बस थॉ करके यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं नज़र आया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ्रोज़न पालक भी यूज़ की हुई है। तो एनीवेज इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी लेकर करनी है, फ्रेश या फ्रोज़न। मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं किसी की तारीफ या किसी को वो नहीं कर रही हूँ आपको, ठीक है? तो चलिए, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस भिंडी को प्याज में किस तरह से बनाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भिंडी की रेसिपी। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको एक पैन लेना है, हमेशा वाइट सरफेस वाला पैन लें। जब भी आप कुछ फ्राई कर रहे हैं, स्टर फ्राई जब कर रहे हैं, तो आप वाइट सरफेस वाला पैन ले लें और उसमें ऐड कर दें ऑयल। मैं यहाँ पर कैनोला ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैंने अंदाजे से ऐड कर लिया है ऑयल, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं हर चीज़ की जो क्वांटिटी है उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं उसमें ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था, और 2 से 3 हरी मिर्च भी है उसमें, जिसको मैंने कट कर लिया है। हमेशा हरी मिर्च आप ऐड करें भिंडी में, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर है तो ज़रूर ऐड करें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं उसे। अब इस प्याज को आपको जब तक फ्राई करना है जब तक कि वो पिंकिश हो जाए। तो पिंकिश होने के लिए उसको लग सकते हैं बिल्कुल 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, तो आप उसे हाई फ्लेम पर थोड़ा सा पिंक कर लें। ये देखिए, जैसे ही प्याज थोड़ी सी पिंक हो जाएगी इसमें आप ऐड कर दें भिंडी। एज यू नो ये फ्रोज़न भिंडी है, इसीलिए इस तरह की सॉफ्ट लग रही है ये। और भिंडी डालने के बाद आप इसे हाई फ्लेम पर जब तक सॉटे करें जब तक कि जो भिंडी का जो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाए। अगर भिंडी स्टिकी रहेगी और आप उसमें दूसरे मसाले ऐड कर देंगे तो यकीन माने आपकी भिंडी बहुत ज़्यादा ख़राब बनेगी। तो स्टिकीनेस इसकी ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको हाई फ्लेम पे उसे भूनना पड़ेगा 5 से 8 मिनट। जैसे ही उसकी स्टिकीनेस चली जाएगी उसमें ऐड कर दें थोड़ा सा नमक। हमेशा नमक थोड़ा सा ही डालें, बाद में आप टेस्ट करके एडिशनल सॉल्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा ही डालें। उसके बाद डाल दें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी है तो लाल मिर्च थोड़ा देखकर ही डालें आप उसे। मिक्स कर दें और फाइनली डाल दें थोड़ा सा चाट मसाला, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी हींग भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास हींग नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब भी आप कोई वेज डिश बना रहे हैं तो हींग ज़रूर डालें उसमें। अब इसे आप मीडियम हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकने के लिए रख दें। चाहे तो इसे कवर कर सकते हैं या फिर आप उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मैं बिना कवर करे इसे 8 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, हमारी भिंडी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, तो मज़ेदार भिंडी बनके तैयार है। तो आई होप आपको ये भिंडी की रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप भी इसे ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें। रोटी, पराठा, चावल किसी की लगती है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू बेल का बटन क्लिक करें। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।